जय श्री श्याम। सभी गो भक्तों व श्याम प्रेमियों को आज शरद पूर्णिमा महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। आज शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से अमृत की धारा बरसती है, इसलिए हम सभी शरद पूर्णिमा का महत्व जानने के लिए चंद्रमा के नीचे, उसकी किरणों के नीचे खीर बनाकर रखते हैं, जिससे उस खीर के ऊपर चंद्रमा की किरणें आकर उसे अमृतमय बना दें, खीर को अमृत बना दें, और फिर उस खीर का सभी प्रसाद प्राप्त करके अमृत धारण करते हैं, अमृत के रूप में प्रसाद लेते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिए आप, हमारी गौ माताएं जो रोज हमें अमृत प्रदान करती है, इनके दूध में अमृत है, इनके दही में अमृत है, इनके घी में अमृत है, यहाँ तक कि इनके गोमूत्र में भी अमृत है। हमारे शास्त्रों में जो पांच चीज़ें बताई गई है, दूध, दही, घी, गोमूत्र व गंगा जल, इन पांचों को अमृत के समान माना गया है, जिसमें चार गौ माता के द्वारा प्रदान किए जाने वाले हैं, और यहाँ तक कि इनके गोबर में भी लक्ष्मी का वास है। तो आप कृपया आज शरद पूर्णिमा के दिन हमारी गौ माता के महत्व को समझते हुए, चंद्रमा हमें साल में केवल एक दिन अमृत प्रदान करता है, लेकिन गौ माताएं हमें पूरे साल 365 दिन अमृत प्रदान करती है। इनकी सुरक्षा करें, इनकी सेवा करें, इनका भरण पोषण करें व इनको आगे बढ़ाएं। जो हमारी गौ माताएं हमें प्रदान कर सकती है, वो हमें और कोई जीव प्रदान नहीं कर सकता। अमृत जो आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, जिस अमृत के लिए आज आप चंद्रमा के सामने गौ माता के दूध में खीर बनाकर रखकर उसका पान करना चाह रहे हैं, वो हमारी गौ माताएं आपको पूरा वर्ष प्रदान करेगी, आपके पूरे परिवार को बिल्कुल तंदुरुस्त, स्वस्थ व सुखी रखेगी। इनका आशीर्वाद आपके घर में सुख शांति व समृद्धि लाएगा, समृद्धि का वास करेगा। जय श्री श्याम। खाटू श्याम जी से जय। सखियां चालो मर श्याम धनी की निजर तारा।